देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस के मरीज कई तरह के होते हैं। पहला वो है जो कोविड पॉजिटिव हुआ, कोविड पॉजिटिव होने के बाद कोविड नेगेटिव हो गया और घर पे ठीक ठाक से रह रहा है, 15 से 20 दिन के बाद उसको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है, ये कैटेगरी वन हो गया। कैटेगरी टू है जो कोविड पॉजिटिव है, इलाज चल रही है और सडनली ब्लैक फंगस इन्फेक्शन उसको हो जाता है, ये वैसे मरीज हैं जो घर पे रह के इलाज कर रहे हैं और घर पे ही ऑक्सीजन की व्यवस्था किए हुए हैं। और इनमें बहुत चांसेस होता है कि जो ऑक्सीजन वो यूज़ कर रहे हैं और जो पाइप वो यूज़ कर रहे हैं वो नमी के कारण फंगस इन्फेक्टेड हो और उसी से सीधे संक्रमित हो रहे हैं। तीसरा कैटेगरी वो कैटेगरी है जो अन्य बीमारियों से पीड़ित है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, टीबी हो, कैंसर हो, किडनी की बीमारी हो, इन सब मरीजों में इम्यूनिटी कम रहती है। तो इम्यूनिटी कम रहने के कारण इनकी क्षमता है आत्मरक्षा जो है वो कम हो जाती है या छिन्न हो जाती है, और ऐसे मरीज को कोविड के बाद या बिना कोविड के भी फंगल इन्फेक्शन का चांस होता है। इन सब मरीजों का इलाज मुमकिन है, इलाज हो रहा है। इनका आँख में सूजन हो सकता है, नाक में सूजन हो सकता है, चेहरे के भाव के नीचे सूजन हो सकता है, लेकिन ये ठीक हो जाते हैं। दिक्कत वैसे मरीजों में है जो इन्फेक्शन होने के बाद, खासकर कोविड इन्फेक्शन होने के बाद इम्यूनिटी कम होने के कारण डायरेक्टली फंगल इन्फेक्शन के ब्रेन में पहुंचता है और ब्रेन में पहुंचने के कारण सीधे ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है और ये बेहोशी की अवस्था में इमरजेंसी आते हैं। तो जो भी डेथ हो रही है ब्लैक फंगस में वैसे मरीजों की हो रही है जो पहले किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहे हों, कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हें कोविड ही रहा हो, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो जहाँ पे उनकी आत्मरक्षा कम है, इम्यूनिटी कम है, और वैसे ही मरीज सीधे ब्रेन इन्वॉल्व होकर आते हैं और वो 2 से 3 दिन के अंदर उनकी मौत हो जा रही है। विडम्बना ये है कि जो एम्फोटेरिसिन बी हम लोग दवा चलाते हैं उसका जो असर होता है, असर होने में 3 से 4 दिन लगता है। तो अगर किसी का ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया हो और 3 से 4 दिन का समय लग रहा है दवाई में, तो ऐसे में बीमारी बहुत तेज़ी से फैल जाती है, 10 गुना फैल जाती है और ब्रेन इन्वॉल्व होने के कारण इनकी ही डेथ हो रही है। चैनल के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा कि लोग घबराएं नहीं, 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ की सफाई, चाहे वो साबुन से धोएं या सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, डिस्टेंसिंग रखें, मास्क रखें, खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं, कभी भी नाक आँख को छूना का कोशिश नहीं करें क्योंकि इनसे ही फंगस डायरेक्टली फैलता है। अभी जो मौसम है वो जनरली नमी वाला मौसम होता है और नमी वाले मौसम में फंगस ज़्यादा उगता है। जैसे घर में आप ब्रेड छोड़ देते हैं तो फंगस लग जाता है, वैसे ही आप समझिए कि नमी के कारण घर में कहीं भी फंगस हो सकता है, गाँव के परिवेश में ज़्यादा ही फंगस रहता है और इसको अगर कोई छू लिया और उससे नाक और मुँह छूता है तो उससे उसका इन्फेक्शन डायरेक्टली नाक में, मुंह में या आंख में चला जाता है। इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है। कुल मिलाकर देखें तो निश्चित तौर पर IGMS को डेडिकेटेड ब्लैक फंगस का अस्पताल बनाया गया है जहां पर लगातार ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज हो रहा है। कुंदन कुमार, ETV भारत, पटना।